पूर्वाहण की सभा में श्वेत केतु का आना और पूर्वाहण का उससे प्रश्न करना। प्रसिद्ध है कि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु पांचालों की सभा में आया। वह जीवल के पुत्र पूर्वाहण के पास पहुंचा, जो सेवकों से परिचर्या करा रहा था। उसे देखकर पूर्वाहण ने कहा, ओ कुमार। वह बोला, भो। पूर्वाहण ने पूछा, क्या तेरे पिता ने तुझे शिक्षा दी है? तब श्वेत केतु ने हाँ ऐसा उत्तर दिया। जो नाम से श्वेत केतु था वह आरुणी, अरुण का पुत्र आरुणी, उसका पुत्र आरुणी। पिता से शिक्षा पाकर अपना यश फैलाने के लिए पांचालों की सभा में आया। पांचाल देशीय विद्वान प्रसिद्ध हैं। उनकी सभा में आकर उन्हें जीतकर फिर राजा की सभा को भी जीत लूंगा। इस प्रकार वह गर्व से वहां गया था। वे जीवल के पुत्र जयवेली प्रवाहण नामक पांचाल राज के पास पहुंचा, जो अपने सेवकों से परचारण अर्थात अपनी परचर्या अर्थात सेवा करा रहा था। उस राजा ने पहले से ही उसके विद्या अभिमान और गर्व के विषय में सुनकर ये विचारते हुए कि इसे विनीत करना चाहिए, उसे देखकर आते ही ओ कुमार इस प्रकार संबोधन करके पुकारा। इस प्रकार पुकारे जाने पर उसने उत्तर दिया, भो भो। ये उत्तर यद्यपि क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है, तो भी क्रोधित होकर उसने ऐसा कहा, क्या पिता ने तुझे अनुशिष्ट शिक्षित किया है? ऐसा राजा ने कहा। तब श्वेत केतु बोला, हाँ हाँ पिता ने मुझे शिक्षा दी है। यदि तुम्हें कुछ संदेह हो तो पूछो।